थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर योर प्रीशियस टाइम यू हैव गिवन अस. प्लीज स्टार्ट एंड शेयर योर प्रीशियस नॉलेज अबाउट होम्योस्टेसिस. प्लीज डॉक्टर मोहम्मद जफर. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर. हमारा आज का जो टॉपिक है वो होमियोस्टासिस है। हमारी बॉडी चूँकि एक बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन कहा जाता है, बहुत ही पेचीदा किस्म की, लेकिन एक ये एक बहुत मुनज्जम तरीके से काम कर रही होती है, जिसमें जो है तमाम निज़ाम जो होते हैं, सिस्टम्स जो होते हैं बॉडी के हमारे, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करके एक दूसरे के बाहमी ताल्लुक के साथ वो काम कर रहे होते हैं। ये निज़ाम सारा जो बॉडी का सिस्टम का जो है वो कंट्रोल हो रहा होता है होम्योस्टासिस के ज़रिए। जब हम इसकी जो डेफिनेशन करते हैं तो वो कहते हैं कि इंटरनल मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टासिस। यहाँ पे जो उस इंटरनल इन्वायरमेंट की बात कर रहा है की गई है वो ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से मुतलका की गई है। हमारी सॉरी बॉडी के अंदर सॉरी सर फॉर इंटरप्शन. प्लीज स्पीक लाउडली. आई रिक्वेस्ट यू. जी मैम, हमारी बॉडी के अंदर जब हम होमोस्टासिस की डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी नोन एज होमोस्टासिस। यहाँ पे डेफिनेशन में जो इंटरनल एनवायरनमेंट के मेंटेनेंस की बात की गई है, इससे मुराद ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से है। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के फ्लूइड्स पाए जाते हैं, एक ICF इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और दूसरा ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो सेल्स के अंदर जो का जो माहौल है, जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने उसको सेल्स को सराउंड किया हुआ होता है, तो वो इंट्रा सेलुलर जो माहौल होगा वो जो सेल के अंदर जो इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड या जो कंपोनेंट्स होंगे सेल्स के वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में होंगे। जो आउटसाइड द सेल्स हैं, जो जैसा कि टिश्यूज लेवल पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या ब्लड है हमारा, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स कहलाते हैं। तो होमोस्टासिस मैकेनिज्म के तहत जो है हमारे इसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, तो ये रेगुलेट रखता है होमोस्टासिस ही। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था कि इसमें इसके तहत ब्लड जो लेवल होता है ब्लड वॉल्यूम कंट्रोल किया जाता है, pH कंट्रोल की जाती है, ऑस्मोलैरिटी कंट्रोल की जाती है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन किया जाता है, इसी तरह ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है और टिश्यूज लेवल पे ब्लड और टिश्यूज लेवल पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है, वे तमाम चीज़ें जो है ये कंट्रोल की जाती हैं। इनका बॉडी के अंदर कंट्रोल रहना जो है सेल सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पता है कि सेल्स को जो है मेटाबॉलिक एनर्जीज की जरूरत होती है, जो उसमें अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसको ज़रूरत होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये कंट्रोल की जाती हैं होमोस्टासिस के ज़रिए। इनको हम जो है फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स भी कहते हैं। वेरिएबल से मुराद वो चीज़ होती है कि जिनकी रेशियो जो है वो चेंज होती रहती हो। अगर जो है जैसा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ये इनका कंट्रोल बहुत नैरो लिमिट्स को पर के तहत जो इनको कंट्रोल में रखा जाता है। अगर हम होमोस्टासिस के मैकेनिज्म को समझें तो इसके तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक डिटेक्टर्स है, कंट्रोल सेंटर्स और इफेक्टर्स। डिटेक्टर्स क्या करते हैं कि ये वेरिएबल्स को जो बॉडी के अंदर वेरिएबल तब्दील हो रहा है उसको डिटेक्ट करते हैं, जैसा कि टेम्परेचर के अभी मेरा पिछले लेक्चर हुआ था टेम्परेचर रेगुलेशन में, उसमें हम बात की थी, तो उसमें के जो नर्व एंडिंग्स हैं वो डिटेक्ट करती हैं कि कोर टेम्परेचर जो है वो नर्व सेट पॉइंट से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, ये कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो डिटेक्टर जो है वो पैगाम भेजता है कंट्रोल सेंटर को।
कंट्रोल सेंटर क्या करता है, उसको उस उन इंफॉर्मेशंस को एनालाइज करता है कि वेरिएबल कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। अगर वो सेट पॉइंट से कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है वेरिएबल्स, तो कंट्रोल सेंटर जो है वो मुख्तलिफ मैकेनिज्म अपनाता है और फैक्टर्स के ऊपर जाकर जो अपने असरात पैदा करके वेरिएबल को जो है नॉर्मल पॉइंट तक ले आता है। हमारे ज़्यादातर जो इसमें वेरिएबल कंट्रोल होते हैं वो हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। सो मैं ज़रा पानी पी लूँ। होमियोस्टासिस जो है ये बॉडी के अंदर दो मैकेनिज्म को अपनाते हुए काम करता है, नंबर एक नेगेटिव फीडबैक और नंबर दो पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि अगर कोई वेरिएबल सेट पॉइंट से बढ़ रही है तो कंट्रोल उसको कंट्रोल में लाकर वापस जो है उसको नेगेटिव फीडबैक के जरिए नॉर्मल किया जाता है। और इसी तरह जो पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक इस तरह का मैकेनिज्म होता है कि अगर कोई वेरिएबल बढ़ रही है तो एक खास फंक्शन परफॉर्म होते तक वो वेरिएबल बढ़ती ही जाती है। तो सबसे पहले हम नेगेटिव फीडबैक की तरफ वापस मैं आता हूँ। ज़्यादातर होमोस्टासिस के जितने भी फंक्शंस हैं वो नेगेटिव फीडबैक के तहत ही कंट्रोल किए जाते हैं, जैसा कि पीएच है, ब्लड वॉल्यूम, ऑस्मोलैरिटीज, टेम्परेचर, हार्मोन्स रेगुलेशंस, जैसा कि एंडोक्राइन्स के जितने भी हार्मोन्स हैं वो तमाम, ये जो है ये नेगेटिव फीडबैक के तहत जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं। इधर मैं एक एग्जांपल जो है वो एक ही एग्जांपल बयान करके इसको ज़रा क्लोज करूँगा नेगेटिव फीडबैक को, क्योंकि ये टेम्परेचर वाले लेक्चर्स में मैंने वजाहत की थी कि जिसमें जिस तरह टेम्परेचर रेगुलेट होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें भी वो भी नेगेटिव फीडबैक के तहत था। जिन दोस्तों ने वो लेक्चर सुना था तो आखिर वाला हिस्सा जो था वो नेगेटिव फीडबैक को ही बयान कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल हार्मोनल इम्बेलेंस हुई है, नेगेटिव फीडबैक की एग्जाम्पल मैं देने लगा हूँ कि अगर हार्मोनल रेगुलेशन किस तरह होती है कि हमारा इधर हाइमोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस वो डिटेक्टर का काम करता है, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन सक्रेट करता है, तो ये एक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा जो कि इंटीरियर लोब या पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऊपर इफेक्ट्स करते हैं, जो कि जिसको हम जो है कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। कंट्रोल सेंटर से क्या अगर करेगा, ये मुख्तलिफ किस्म के पिट्यूटरी ग्लैंड्स से खारिज होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो टारगेट ग्लैंड तक जाते हैं। टारगेट ग्लैंड्स क्या होते हैं, इफेक्टर्स होते हैं, नेगेटिव फीडबैक में उसको इफेक्टर्स कहेंगे। और जो टारगेट ग्लैंड्स हैं उनके जो आगे हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं, खारिज होते हैं, उनमें जब उनकी रेशियो जब खून में बढ़ती है तो यहाँ पे नेगेटिव फीड अगर सेट पॉइंट से बढ़ रहा है, अगर वो खारिज होने वाला हार्मोन सेट पॉइंट से बढ़ रहा है तो ये इनहिबिट करेगा, यही हार्मोन्स वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस से को जो है पैगाम देंगे कि हार्मोन्स के जो रिलीजिंग हार्मोन हैं या स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं उनके प्रोडक्शन को रोका जाए। जैसा कि हमारा एक हाइपोथैलेमस हार्मोन पैदा करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, टीआरएच इसको बोला जाता है, वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, और पिट्यूटरी ग्लैंड्स जिसके नतीजे में एक टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, ये टीएसएच जाकर जो है आगे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो दो हार्मोन्स खारिज करता है, T3 और T4। जब कभी ऐसी नौयत आ जाए कि T3 और T4 हार्मोन्स की खून में या ब्लड में इनकी रेशियो बढ़ने लगे तो ये इनहिबिट
का काम यही हार्मोन इनहिबिट का काम करेंगे और पैगाम पहुंचाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस को कि हाइपोथैलेमस को ये पैगाम पहुंचाएंगे कि टीआरएच की प्रोडक्शन को रोका जाए। जब टीआरएच की प्रोडक्शन रुकेगी तो वो आगे मजीद जो है पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा और यही TH4 का लेवल जो है यही आगे इनहिबिशन का पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भी पैगाम देते हैं कि TSH की प्रोडक्शन को रोका जाए। तो पीछे TRH की प्रोडक्शन भी रुक जाती है और पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH की भी जो है प्रोडक्शन रुक जाती है, जिसके नतीजे में मजीद जो है T3 और T4 जो है वो बढ़ना बंद हो जाते हैं और ये तब तक रहता है जब तक जो है हार्मोन्स जो है उसका यूज में आकर उसके कंज्यूम होने के नतीजे में ब्लड के अंदर उनकी रेशियो जो है कम नहीं हो जाती। जैसे ही हार्मोन्स के इस्तेमाल होने के बाद उन खून के अंदर हार्मोन्स की कमी आना शुरू हो जाती है, वो आना शुरू हो जाएगी। ये स्टिमुल यही कमी जो यही फिर स्टिमुलेट कर देते हैं हाइपोथैलेमस को कि ब्लड के अंदर हार्मोन्स की कमी जो है वो हो गई है, जिसके नतीजे में फौरन फिर हाइपोथैलेमस जो है TRH जो है वो रिलीज करेगा, वही मैकेनिज्म फिर दोबारा शुरू हो जाता है। तो ये एक तरह से नेगेटिव फीडबैक है कि एक तरफ एक वेरिएबल अगर बिफर सेट पॉइंट से बढ़ रही है तो उसको इनहिबिट करने के लिए उसको रोकने के लिए फीडबैक नेगेटिव फीडबैक है, और इससे अगर कम हो रही है तो उसको भी नॉर्मल जो है लेवल तक लाने के लिए जो है ज़रूरी होता है। इसमें ये तो था नेगेटिव फीडबैक। इसी तरह टेम्परेचर का जो है रेगुलेशन है, पीएच है, दूसरे रेगुलेशंस हैं, वो सिस्टम वाइज स्टडी हो जाती हैं चीज़ें कि पीएच कैसे मेंटेन रहती है, ऑस्मोलैरिटी कैसे मेंटेन रहती है। इधर जो है सिर्फ होम्योस्टेसिस का रिलेटेड चीज़ को नेगेटिव फीडबैक को वजाहत करनी थी, इसलिए मैंने जो है सिर्फ हार्मोनल जो है रेगुलेशन के बारे में बात की, एग्जाम्पल दी है। इसी तरह पॉजिटिव फीडबैक जो है, पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि अगर एक कोई वेरिएबल्स जो है वो इंक्रीज हो रही है तो वो एक दफा इंक्रीज हुई बढ़ी तो वो बढ़ती ही चली जाती है। इसकी एक एग्जांपल है पार्चुरेशन या जो है डिलीवरी के दौरान। अच्छा एक और चीज़ है कि ये जो पॉजिटिव फीडबैक है ये खास नोयत के जब फंक्शन परफॉर्म करने हों उसी वक्त ये मैकेनिज्म जो है वो ट्रिगर होता है या स्टिमुलेट होता है। बिलफर्ज जब जो है डिलीवरी का टाइम करीब आता है तो रहम की जो दीवारें जो है एंड जो वाल्स होती हैं यूट्राइन वाल्स ही होती हैं वो बच्चे के ऊपर दबाव जो है फीटस के ऊपर दबाव डालते हैं, जिससे बच्चे का जो हेड है वो सर्विक्स के ऊपर जो है दबाव डालता है, उसको स्ट्रेच करता है। उस जब वो सर्विक्स को स्ट्रेच करता है तो जो उसके सर्विस के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स वो उसको डिटेक्ट करते हैं और नर्व्स इंपल्स जाती हैं हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है जी। और वहां से जो है एक ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन जब मिकदार बढ़ती है खून के अंदर तो ये जाकर यूट्राइन के जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनके ऊपर असर अंदाज होता है और उनकी कंट्रैक्शन को स्ट्रोंग कर देता है। यूट्राइन जो वाल्स होते हैं उनके स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन को तेज कर देता है, जिसके नतीजे में जो है बच्चे का हेड और मजीद सर्विस को स्ट्रेच करता है और जितना ज़्यादा वो स्ट्रेच करता जाता है उतना ज़्यादा वो इम्पल्स जाती रहती है पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को, जिसके नतीजे में ऑक्सीटोसिन रिलीज होती रहती है। और जब बच्चा डिलीवर हो जाता है इसी फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में और डायलेट होने सर्विक्स के डायलेट होने के नतीजे में जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो ये मैकेनिज्म जो है इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है। ये जो मुसलसल जो था एक चीज़ ऑक्सीटोसिन इधर ऑक्सीटोसिन जो है ये बढ़ रही थी, ये पॉजिटिव मैकेनिज्म के तहत बढ़ रही थी। इसी तरह जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारे जब जिस्म के ऊपर जो है कोई जख्म हो जाता है तो हमारे जो है क्लॉटिंग फैक्टर वहाँ पे कुछ देर बाद जो है वो क्लॉट बन जाता है
ये क्लॉटिंग फैक्टर भी पॉजिटिव फीडबैक के तहत काम करता है, जैसा कि जो है सबसे पहले फैक्टर 12 जो है वो स्टिमुलेट होता है, वो जाकर जो है फैक्टर 11 को स्टिमुलेट करता है, और फैक्टर 11 जो है वो फैक्टर 9 को स्टिमुलेट करता है, फिर फैक्टर 9 जो है ये रिवर्स जो है वो स्टिमुलेट दूसरों को स्टिमुलेट करना शुरू कर देता है, फैक्टर 9 को और फैक्टर 11 को और फैक्टर 12 को। तो इस ना ये एक ट्रिगर होता रहता है बार बार, जिसके नतीजे में ब्लड क्लॉटिंग होती रहती है, क्लॉटिंग होती है और हमारा ब्लड लॉस होने से वो बच जाता है। शॉर्ट सा ये आज टॉपिक था, अगर किसी दोस्त ने कोई सवाल जो है इसमें जो है पूछना है तो वो मुझसे पूछ ले। तो हमारा इसका एक यही बनता है कि होमियोस्टेसिस जो है ये वेरिएबल्स को और जिन चीज़ों का रेशियो बॉडी के अंदर मखसूस सेट पॉइंट तक रहना ज़रूरी है, वो होमियोस्टेसिस ही उनको बरकरार रखता है, और ये मैकेनिज्म ज़्यादातर नेगेटिव फीडबैक के तहत होता है। जी शुक्रिया। ओके थैंक ओके थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड गेस्ट स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद जफर सुपरिटेंडेंट फ्रॉम चिन्नौर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर योर प्रीशियस टाइम यू हैव गिवन अस। माशाल्लाह ग्रेट जॉब योर ओवरऑल लेक्चर। इनफैक्ट योर ईच एंड एवरी वर्ड वाज वेरी इंफॉर्मेटिव प्रीशियस एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल लिसनर्स and you have explained very well about homeostasis. Thank you so much sir. Participants if you have any question please ask to Dr. Muhammad Zafar. Please participant.